हेलो दोस्तों, क्या हाल है। ये है मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 11 4GB 64GB वेरिएंट जो मैंने 12,500 रुपये में फ्लिपकार्ट से बाय किया है। और थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि इस फोन में मैं गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। इस फोन का प्लस पॉइंट ये है कि इस फोन में 33W फास्ट चार्जर और एमोलेड डिस्प्ले भी मिलती है जो काफी क्रिस्प एंड क्लियर है। इस फोन की आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो में मैं इस फोन में गेमिंग टेस्ट करने वाला हूं, तो सबसे पहले आपको जीकपेन स्कोर दिखा देता हूं। प्रोसेसर इस फोन में हीलियो G88 है, सिंगल कोर में इसका 374 स्कोर है और मल्टी कोर स्कोर 1351 है, तो ठीक ठाक प्रोसेसर है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं फोन की। फोन का बैटरी लेवल है 60% और टेम्परेचर है 30°C। गेम रन करके देख लेते हैं और देखते हैं ये फोन गेम लोड करने के लिए कितना टाइम लेता है। मैं इस फोन में 1 घंटे के आसपास गेमिंग करने वाला हूं। और एक और बात, ये फोन मैंने अपने पैसों से खरीदा है, तो इस फोन के बारे में अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए सुटेबल फोन चूज कर सकें। और आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। अच्छा, हमको सिखा रहा है। ओके, सो गेम लोड करने के लिए इस फोन ने ऑलमोस्ट 33 सेकंड्स लिए हैं, तो ये इतना ज्यादा क्विक भी नहीं है और ना ही ज्यादा स्लो। मतलब ओके परफॉर्मेंस मिल रही है इस फोन से अभी तक। इस फोन में आप हाईएस्ट 40 FPS तक की गेमिंग कर सकते हो, यानी कि स्मूथ ग्राफिक सेटिंग्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट। बाकी अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलना चाहते हो तो बैलेंस्ड पे अल्ट्रा और HD ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट पे खेल सकते हो, यानी कि 30 FPS। बाकी HDR ग्राफिक्स का ऑप्शन इस फोन में अवेलेबल नहीं है। HD ग्राफिक्स प्लस हाई फ्रेम रेट्स पे अच्छे ग्राफिक्स दिख रहे हैं और इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, तो काफी अच्छी डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। जायरोस्कोप की बात करें तो परफेक्टली वर्क करता है और कहीं से भी आपको जायरोस्कोप में कोई भी कमी नहीं दिखेगी। थर्टी और 40 FPS का डिफरेंस तो आपको जरूर पता लगेगा, लेकिन मुझे 30 FPS में कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स या लैग फील नहीं हुआ। टच रिस्पॉन्स फोन का काफी अच्छा है। अच्छे से मेरा मतलब ये है कि इस फोन में मुझे गेम खेलते हुए अभी 20 मिनट्स ही हुए हैं, लेकिन मुझे टारगेट पे एम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यूजुअली अगर मैं किसी नए फोन में खेलता हूँ तो उस फोन की सेंसिटिविटी के साथ यूज टू होने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन इस फोन के साथ मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। में मुझे ना तो कोई फ्रेम ड्रॉप और ना ही कोई लैग फील हुआ है। बाकी ये बच्चा क्लासिक मैच तो वो भी ट्राई कर लेते हैं, और इसमें भी मैं सबसे पहले 30 FPS में खेल के देख लेता हूँ और उसके बाद 40 FPS में तो मैं ट्राई करने ही वाला हूँ। We'll be right back.
50 मिनट्स हो चुके हैं मुझे गेमिंग करते हुए और मुझे ये फोन गर्म फील तो हो रहा है लेकिन लैग और फ्रेम ड्रॉप्स प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है और टच रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक घंटे की गेमिंग के बाद फोन का बैटरी लेवल है 43% और टेम्परेचर है 40.3 डिग्री सेल्सियस, तो 17% बैटरी कंजम्पशन हुई है एक घंटे की गेमिंग में, जो कि मेरे ओपिनियन में ठीक ठाक है 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से। लेकिन फोन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है, जो कि एक घंटे की गेमिंग के हिसाब से ज्यादा है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हो तो फोन डेफिनेटली ज्यादा हीट होगा। हीटिंग इशू को छोड़ के मुझे गेमिंग के लिए इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। और अगर आपको वीडियो अच्छी या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Let's go!